अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि जो भी गुजराती कम्युनिटी है बिजनेस उनका जो है जबरदस्त तरीके से रहता है, जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाता है। संगीत एक साधना है, आप बिजनेस में नहीं आप संगीत में आए जो साधना है, और फिर आपकी दोस्ती सलमान खान से हुई, और सलमान खान से आपकी दोस्ती के बाद जिस तरह से मौके थे या करियर में जो एक पहचान आपकी बनी, रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन क्या हर कोई इतना लकी है कि उसे सलमान खान मिले? ऑफ कोर्स, मैं ये यही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो किस्मत होती है, लेकिन आपको जिंदगी में एक मौका जरूर मिलेगा जब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। बड़ा गॉडफादर या बड़ा मौका? नहीं, कहीं ना कहीं कोई मौका आपको, जैसे चार साल का वक्त ले लीजिए, अगर एक आदमी शुरू हो रहा है, उस चार साल में उसको एक मौका कहीं ना कहीं मिलेगा कि कोई बोलेगा अच्छा ठीक है दो मिनट में एक सुना दे, अगर मुझे अच्छा लग गया तो मैं इसे ले लूँगा। बट वो दो मिनट में आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए कि वो दो मिनट में उस वक्त इंडस्ट्री में वो कंटेंट किसी के पास ना हो, उस लेवल का अगर कंटेंट है तो आज के ज़माने में काम इतना है। लेकिन अगर आपकी तैयारी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो दो मिनट जो चार साल में आपको बड़ी मुश्किल से मिले हैं वो मिस हो जाएंगे, फिर उस चार साल में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वो दो मिनट का दोबारा। तो मुझे लग रहा है कि जितना हो सके अपने फ्री टाइम को यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने बख्शी साहब के साथ काम नहीं किया लेकिन उनकी एक लाइन सुनी है कि जब इंसान के पास काम नहीं होता तो वो बहुत काम करता है, और जब काम आ जाता है तो काम के अलावा वो सब कुछ करता है। तो कहीं ना कहीं जब फ्री टाइम हो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। मेरे फ्री टाइम में मैंने स्टॉक जो बनाए थे उससे मैं बन सका। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो दो मिनट तो आपको मिलेंगे ही, मुझे सलमान भाई मिले, आपको कोई और ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब वो उस वक्त आपको बोलें कि हाँ सुनाओ, whether it is a song, whether it is a product, whether it is a script, whether it is anything in any field, वो दो मिनट, वो मीटिंग जो आपको दो मिनट बड़ी मुश्किल से मिली है, उस मीटिंग के लिए आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो फ्री टाइम में स्ट्रगल के पीरियड में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस स्ट्रगल के पीरियड को कंटेंट में कन्वर्ट करके आपके पास हाथ में वो चीज़ हो जो दुनिया में उस वक्त किसी के पास नहीं होगी, बिकॉज आप में वो फ्रेशनेस होगी, एंड दैट फ्रेशनेस विच द यूथ हैज, नोबडी हैज। लाइक फॉर मी, इफ यू सी, तेरी मेरी कहानी इज अ ग्रेट सॉन्ग, बट इट्स अ ग्रेट सॉन्ग विथ द फ्रेशनेस ऑफ रानू। रानू जी, नहीं, मैं एग्जैक्टली यही आपसे पूछने वाली थी। आपने ये कहा कि वो जो दो मिनट है वो कीमती दो मिनट, उस दिन आपको परफॉर्म करना है, उस दिन आपको फेल नहीं होना है। रानू मंडल एक प्लेटफॉर्म पर वो गाना गा रही थी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ, आपने उसे नोटिस किया, आपको लगा कि हाँ दम है। मेरे रियलिटी शो में वो आई, मैंने पहले उन्हें मौका मिलना चाहिए, वहाँ उन्होंने गाना गाया, और वो गाना गाते वक्त मुझे लगा कि शी इज वेरी फ्रेश एंड शी इज राइट फॉर द सॉन्ग। तो वो फ्रेश है लेकिन ट्रेंड नहीं है। हाँ, ट्रेंड नहीं है, लेकिन एक प्यार का नगमा जब उन्होंने वो रियलिटी शो में गाया तो वो गाना उन्होंने बहुत अच्छा गाया, तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड थी ना उस गाने के लिए, तो वो गाने के लिए वो बहुत उन्होंने मेहनत की थी, जैसे भी मेहनत की होगी, तो वो तैयार थी एक प्यार का नगमा के लिए, जिनकी वजह से उसको उनको तेरी मेरी कहानी मिल गया। तो वो तैयारी, वो दो मिनट में अगर वो एक प्यार का नगमा अच्छा नहीं गाती तो ना वो हो। आप में से कितने लोगों ने रानू मंडल का जो वीडियो था वो देखा था? ओह माय गॉड, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। और जो नया गाना उन्होंने गाया हिमेश जी की फिल्म में, वो कितनों ने देखा है? ये जो तैयारी थी उन्हें ट्रेन करना, उसे उन्हें उस गाने के लिए कन्विंस करना, ये पूरा कैसे, ये पूरा प्रोसीजर रहा? रियलिटी शो में जब वो आई तो मुझे वो जैसे एक प्यार का नगमा उन्होंने गाया तो मुझे लगा कि शी इज़ एब्सोल्युटली राइट फॉर तेरी मेरी कहानी। तो मेरी फिल्म हैप्पी हार्डी हीर के पाँच गाने आ चुके थे, मैं बाकी गानों के लिए कुछ फाइनल गाने ट्यून बन चुके थे, मेरी वॉइस हो चुकी थी, मैं कुछ एलिमेंट्स ढूंढ रहा था, कुछ प्रोडक्शन में काम कर रहा था, और आई वॉज लुकिंग फॉर दैट फीमेल आलाप एंड दैट वॉइस विच इन्वेड्स द स्क्रीन, लाइक हाउ लता जी यूज टू इन्वेड ड्यूरिंग दोज डेज, लाइक मैंने प्यार किया, एंड बिकॉज हैप्पी आर डी हीर इज़ अ लव स्टोरी, तो वो एक आलाप की जो वो गूंज है वो कनेक्ट मुझे चाहिए था, वो मुझे रानू जी की आवाज़ में एक प्यार का नगमा में जैसे मिली, तो वो कहीं ना कहीं शी वॉज राइट तेरी मेरी कहानी। नेक्स्ट डे मैंने उनको बुलाया, उनका हेडफोन के साथ कनेक्शन बांधना नई बात थी, वो चार पाँच छः घंटे लगे, और वो गाना मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जस्ट पोस्ट किया, और फिर तो आप ही लोगों ने जो किया है वो किया है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, फिर तो हिस्ट्री हो गया एंड इट बिकेम द ग्लोबल नंबर वन सॉन्ग।
एंड देन मैंने हैप्पी हार्डी हीर में आशिकी में तेरी भी जो मेरा रिक्रिएटेड गाना है वो भी करवाया है, एक गाना है आदत वो भी करवाया है. तो देन तो वो दो दो घंटे में देन हेडफोन के साथ उनका कनेक्शन हो गया एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी अब वो ले रही हैं. सो वी आर गाइडिंग हर एंड बस बाकी तो ये है कि आप उनको और आगे लेके जाइए और जहाँ कहीं एक अच्छे टैलेंट को आप देखें आप सपोर्ट कीजिए. सपोर्ट का मतलब कितनी बार लोग ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा सकता. वो सपोर्ट करने के लिए आपकी अपनी अगर ग्रेट तैयारी है तो वो सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे थोड़ा देर से ही सही बट वो मिलेगा.